ओके जी, गुड मॉर्निंग। चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का आज है डे 210 और मैं हूँ लावियो के साथ। इट वाज स्टक हियर, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। फ्लावियो जाने वाले हैं सूरत की तरफ और मैं निकल रहा हूँ दमन जाने के लिए। तो एक बार फ्लावियो को बाय करते हैं। सो फ्लावियो, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू आल्सो। इट वाज नाइस मीटिंग, बी सेफ, एंड वी हैड अ गुड टाइम। आई फेल्ट लाइक आई एम मीटिंग अ ब्रदर फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड लाइक आई सेड, व्हेन यू रन अ बाइसिकल वन डे इट राइड्स यू टू यूरोप, लेट मी नो, आई विल टेक केयर ऑफ यू। वी रिमेन इन टच। ग्रेट। कितनी सारी बोट्स खड़ी हैं इस रिवर में, कैन यू सी दिस? और सिर्फ खड़ी हैं, चल कोई भी नहीं रही है। स्ट्रेंज नो। जिस रिवर के बारे में हम किताबों में पढ़ा करते थे, उसी रिवर को मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ दोस्तों। ये तापी रिवर है, पढ़ा था कभी इसके बारे में, देखा आज है। ये रास्ता सूरत की तरफ जा रहा है और मैं तापी रिवर को अभी क्रॉस कर रहा हूँ। फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ और ये रास्ता सूरत सिटी के लिए निकल जाता है। बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। साथ में मेरे को ये साइकिल ट्रैक नज़र आ रहा है, देख रहे हैं, ये साइकिल ट्रैक है और बिल्डिंग भी बड़ी शानदार है। तो सूरत सही मायने में इंडस्ट्रियल सिटी है। ये रास्ता मैं सीधा ले रहा हूँ तो ये पहुँचा देगा मुझे दमन की तरफ। इस वक्त मैं फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ बस। सूरत को सही मायने में स्मार्ट सिटी के लिए तरह डेवलप किया जा रहा है। वो जो बस जा रही है ना, तो बस की एक डेडिकेटेड लेन है, उसमें बस चलती है। ऑटो कार सब एक तरफ चलते हैं। दोनों तरफ आपको साइकिल ट्रैक नजर आ रहे हैं और नजर आ रहा है वो साइकिल, जो एप्लीकेशन हायरिंग बेस्ड बाइसिकल्स हैं, वो सब यहाँ पर खड़ी हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। इट लुक्स लाइक अ स्मार्ट सिटी। बारडोली 38, एना 29 और पलसाना 24 और ये रास्ता दमन की तरफ जा रहा है। बड़ी देर से कोई जगह ढूंढ रहा था बैठने के लिए। यहाँ ये बेंच और चाय की दुकान है जो बंद है। सोच रहा हूँ यहाँ बैठ जाऊँ, साइकिल वहाँ खड़ी की है। हाईवे इतने यूजलेस है ना, कोई जगह नहीं होती बैठने के लिए छाया में। तो वॉकिंग करने वालों के लिए तो एकदम बेकार है। ना कोई शेड बनाते हैं, ना कोई पेड़ होता है, बस सीधी सड़क और कुछ नहीं। अभी कुछ खा लेता हूँ, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। टाइम हुआ है अभी 12:30 का। धूप इतनी तेज है ना कि मोबाइल मेरा बंद हो जाता है, बोलता है कि फ़ोन इज़ गेटिंग हॉट, शटिंग डाउन, ऐसे मैसेज आता है। 3 पैकेट जो अब से 15 दिन पहले लिए थे ना, उनमें से ये है एक और, ये लास्ट है। मुझे किसने बोला है कि ख़राब हो जाता है, इसको जल्दी खा लो, तो खा लेता हूँ। और चाय मेरे ख्याल है 1-2 कप बची है, कल की चाय है ये। गर्म तो नहीं होगी पर कुछ मीठा मीठा मिल जाएगा साथ में, तो वो कर रहा हूँ। कुछ सॉस भी है वैसे, तो सॉस के साथ भी खा लूँगा। तो आज इसको ख़त्म कर लूँगा, ये एक तरह से लंच है मेरा। रखना ज़्यादा ठीक नहीं है, पर एकदम से खाना भी ठीक नहीं है, पता लगे ख़राब हो गया हो तो इसको 2 बार मैं ब्रेक करके खाऊंगा ताकि इतना नुकसान ना करे बॉडी को, है ना। तो सॉस के 2 पैकेट हैं, इसके साथ भी खा सकते हैं। मरवा मिला है मेरे को, तो मरवा के पत्ते तोड़ रहा हूँ। कभी चाय में डाल के पीऊँगा तो अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही रख लेता हूँ, इसी पैकेट में रह जाएगा। तो जी, खाना वाना हो गया, चलते हैं यहाँ से, थोड़ा ही रह गया चलना। करीब 20 किलोमीटर मैं राइड करके यहाँ आया था, 90 किलोमीटर अभी और जाना है। पहला टारगेट वलसाड़ है, वलसाड़ में मैं रुकूंगा जा करके। तो दोपहर के अभी 1 बजे का टाइम है, गर्मी से तो बुरा हाल है, पर 90 किलोमीटर का मतलब है कि चलते रहना पड़ेगा। जिस जगह को आप अभी देख रहे हैं, ये शहर है, शहर का नाम है सचिन, SACHIN, सचिन। ओके, मैं रुक जाता हूँ, ये बस को जल्दी है जाने की। इसे पार करके मेरा अगला टारगेट है नवसारी पहुँचना। एक बोर्ड सामने लगा है, नवसारी के लिए मुझे सीधे जाना है जो कि 19 किलोमीटर है। स्टेशन राइट में आएगा 2 किलोमीटर। आप तब तक ये शहर देखिए, तब तक मैं थोड़ा राइड करता हूँ और इस शहर से बाहर आ जाता हूँ। धूप बहुत तीखी है, कोई जगह ढूंढ रहा हूँ ताकि बैठ सकूँ अगले 1-1.5-2 घंटे। 2 बज चुके हैं, मोबाइल भी गर्म हो रहा है तो इसको कपड़े से ढक दिया मैंने। कोई पेड़ की छांव हो, कोई रेस्टोरेंट हो, पीछे थे पर वो शहर के अंदर थे इसलिए मैं रुका नहीं वहाँ पे। थोड़ा शहर से बाहर रुकना चाह रहा हूँ क्योंकि उस तरफ शोर बहुत होता है शहर के अंदर। पूरा शहर क्रॉस कर लिया, एक जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ बैठ जाऊँ मैं। दीज रोड्स आर सो यूजलेस, नो ट्री, नो शेडो, नो शेल्टर, इट्स सो हॉट, इट्स बर्निंग हॉट। एक पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे बैठता हूँ जाके। ये जगह सही नहीं है, गर्मी है पूरी।
लग रही है बैठ के, लगता था छाँव में पर है नहीं। फुल एनर्जी गॉन। गर्मी में नहीं चलना चाहिए, ये बहुत थका देता है। बट देयर इज नथिंग, सड़क के दोनों तरफ कुछ नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई डोंट राइड ऑन NH एंड SH। एटलीस्ट इन द विलेज एरिया यू फाइंड समथिंग। चलो भाई आगे चलते हैं। और 5 किलोमीटर चल लिया, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। धूप के मारे बुरा हाल है, साइकिल चल नहीं रही है, वेरी बैड। 15 मिनट और चला तब जाके ये एक अबंडन सा बस स्टॉप नज़र आया, यहाँ पे रुकता हूँ। साउंड्स गुड। मैट्रेस निकालता हूँ, बिछा लेता हूँ, लेट जाता हूँ। अब ये जगह है बस चलती सड़क के ऊपर, यहाँ मैं लेटने वाला हूँ। दो घंटे सो चुका हूँ, अब जाके उठा, अब सफर पे निकलते हैं आगे। इट वॉज ए गुड स्लीप, एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी गर्मी थी पर अच्छा था, नींद पूरी हो गई। रात का जो 3 घंटे स्लीप लिया था, दो मिला के 5 घंटे की नींद हो चुकी है। टाइम हो गया 4, डिस्टेंस है 55। चलिए, गियर बड़े तंग कर रहे हैं, क्या दिक्कत आई है, कुछ तो अजीब हो रहा है। गूगल ने अचानक से मेरे को बोला दाएं मुड़े, एकदम से बताया। ये ऑटो जा रहा है ना, ये है दाएं का रास्ता। चलो, ट्रैफिक से मेरा पीछा छूट गया, सबसे बड़ी बात। मुझे नहीं पसंद है हाईवे कितनी बार बता चुका हूँ, पर मजबूरी में चलता हूँ। अब ये अच्छी लग रही है सड़क छोटी सी, तो मुझे ये रास्ता पसंद आने लगा है एंटर करते ही। देखो यहाँ पे पेड़ है तो ठंडक है, हाईवे पे पेड़ नहीं होते गर्मी लगती है, पहली प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, इसमें ट्रैफिक नहीं है तो वो जो शोर होता है वो ख़त्म हो गया, पीस है। तीसरी चीज़, वो जो रिस्क है ना, लाइफ एंड डेथ, ओवरटेक करती हुई गाड़ियाँ तेज़ी से जब निकल के आपके पास से निकलती हैं झुक करके, वो यहाँ पर एटलीस्ट नहीं है। तो ऐसे छोटी सड़कें ये 3 फायदे मुझे देती हैं, तो ये मेरी फेवरेट जगह है दोस्तों। ये घुमावदार सड़कें छोटी छोटी गांव के बीच से होकर जाती हुई, हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस प्लेस। छोटा सा गांव है जिसे क्रॉस कर रहा हूँ, नाम है टंकोली, गुजराती में है, होप मैंने सही पढ़ा होगा। बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सामने एक मस्जिद है ये, जिसके सामने से मैं अभी निकल रहा हूँ। अभी भी यहाँ पर नलिया वाले घर बने हैं काफ़ी। यहाँ से बाएं मुड़ना है, ओके, यहाँ से मुड़ना है। आए तो बाई टर्न ले लिया मैंने, ओके, यहाँ से राइट टर्न करना है। लीजिए, टंकोली जो गांव है उसको मैंने क्रॉस कर लिया है। आई एम लाइकिंग दीज प्लेसेस, हाउ पीसफुल इट इज, अच्छा लगता है यहाँ पर। साइकिल को चेक करूँगा, थोड़ा हैवी चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़रूर डिस्क कहीं लग के चल रही होगी, डिस्क ब्रेक अलाइनमेंट सही नहीं होगा। पर सारा सामान जहाँ उतारूँगा वहाँ चेक करूँगा रुक के, तब पता चलेगा। तू भी चले मैं भी चलूं, कोई रास्ता नया सा मिले, तय होंगे तभी फासले। What song is this, any guess? दो लाइनें याद आ रही बस, तू भी चले मैं भी चलूं, हेवन ख़त्म, हेल फिर से शुरू। एक बड़ी रोड पे इसने कनेक्ट कर दिया मुझे, यहाँ फिर से ट्रैफिक है वैसा ही, बस इतनी सी पीस थी। तो करीब 1 किलोमीटर का था ये पीसफुल सा पैच, आई विश इससे लंबा होता। मुझे प्रकाश जी ने कल देखा था फेरी पे जब मैं इधर के लिए आ रहा था, तो अभी इन्होंने फिर यहाँ पे रोका। अभी ऐसे ही मिलते रहते हैं, अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? यश। यश, यश पटेल, हाँ, गुड, अच्छा लगा मिलकर आप लोगों से। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मुझे लग रहा है टायर अड़के चल रहा है साइकिल का, आज भी कर रहा है चलते हुए। नवसारी पहुंच गया हूँ, नवसारी क्रॉस करना है फिर आगे पहुँचूँगा। कोई स्कूल है मेरे लेफ्ट में,
जिसके बच्चों की छुट्टी हुई है अभी. डिफिकल्ट है सब. यहाँ से राइट टर्न कर रहा हूँ ना, की है ड्राइविंग है. अब इस रोड पे सीधे चलते जाना है मुझे. अभी भी 47 किलोमीटर दूर है. लस्सी का स्टॉल नज़र आया है, मैं सोच रहा हूँ पी लूँ जाके. भूख लगाई है सुबह से, बस वो खाकरा खाया था और कुछ भी नहीं. तो लिक्विड भी आ जाएगा, एनर्जी भी आ जाएगी. तो लस्सी एक एक गिलास पीते हैं. एक देंगे दोस्त लस्सी, गुड टेस्ट. तो लस्सी पी के थोड़ी ठंडक आई है और एनर्जी भी, फीलिंग बेटर नाउ. जितने भी नाम लिखे हैं बोर्ड पे सब दूर के नहीं, पास पास के हैं. मुझे जहाँ जाना है उसका तो नाम ही नहीं आया लिस्ट में. मुझे जाना है अब यहाँ से जिलीमोरा. बिलीमोरा 21 है. अभी थोड़ी देर पहले ही 10 रुपये की छाछ वाली लस्सी ली थी मैंने, मसाला छाछ. अब उसमें थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करके पीने वाला हूँ. चले नहीं रहा. अब चलेगा. पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाए तब भी नहीं चलता है. पूरा झाग वाली लस्सी बन जाएगी और फिर पी के निकलूँगा. हेलो जी, लस्सी साढ़े लई होगी तैयार. चीयर्स. सूरज छिपने लगा है दोस्तों. 6:30 का टाइम है. काफ़ी दूर अभी भी जाना है. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. कोकोनट ट्री हैं दोनों तरफ. लग रहा है समंदर के नज़दीक कहीं पहुंच रहा हूं मैं. तो जी, सनसेट हो गया पूरी तरह से. अब अंधेरा होने लगा है. अभी भी 30 किलोमीटर के आसपास जाना है मुझे. तो 7-8 किलोमीटर दूर जाके आएगा बिलीमोरा, उसके भी आगे फिर वलसाड़ होगा. पता नहीं कितनी देर और राइड करना पड़ेगा. साइकिल थोड़ा परेशान कर रही है इसलिए स्पीड आ ही नहीं रही. प्लेन रोड पे भी दिक्कत है साइकिल में. तो गियर की ट्यूनिंग इशू है, डिस्क ब्रेक का इशू है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहा हूँ मैं इस वक्त. हेडलैम्प लगा लिया है, अंधेरे में राइड करेंगे आज. दोपहर को रेस्ट ना करूँ तो प्रॉब्लम है, रेस्ट करूँ तो प्रॉब्लम है. तो समझ में ही नहीं आता. कुछ चीज़ें ठीक से हो नहीं रही हैं. सो नो इशू, विल फाइंड आउट अ वे. सिंगल लेन रोड है, अगर कोई ओवरटेक करता हुआ आएगा तो दिक्कत होगी. पीछे से ना हिट कर दे साइकिल को मेरी. एक छोटी सी सुनसान सी सड़क है जिस पर से मैं गुजर रहा हूँ. एंड थ्रू आउट यही रास्ता है जो लेके जा रहा है मेरे को. आई डोंट नो रात को इस रास्ते पे जाना ठीक है या नहीं. मैंने हेडलैम्प ऑन कर लिया लेकिन मच्छर बहुत है, मुँह में भी जा रहे हैं और आँखों में भी. देखता हूँ आगे एक गांव दिखा रहा है, वहाँ जाके कुछ रहने की जगह ढूंढता हूँ. शायद वलसाड़ आज नहीं जाऊँगा मैं. अगर गया भी तो फिर हाईवे का रास्ता लूँगा जो 10 किलोमीटर और बढ़ा देगा. और साइकिल जिस हालत में है, इस हालत में एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर चलना अकलमंदी तो नहीं है. खुद ब खुद गियर चेंज हो रहे हैं, खुद ब खुद उतर रहा है गियर. समझ ही नहीं आ रहा है मैं साइकिल को चला रहा हूँ या ये खुद चल रही है. ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा. बहुत ज़ोर लग रहा है जबकि चढ़ाई नहीं है रास्ते पे. थोड़ा सा चढ़ाई भी आता है तो मेरे को दिक्कत हो जाती है. तो आकाश और स्वेत है, इन्होंने बोला कि सोमनाथ मंदिर है वहाँ पे ठहरने की जगह मिल जाएगी. जो रास्ता इन्होंने बताया वो फॉलो करके मैं उसी तरफ जा रहा हूँ. होप करो कि मिल जाए रहने को जगह और कल मैं आगे का सफ़र तय करूँ. आकाश और स्वेत तो बड़े कंश्योर हैं कि मिल जाएगी. चलो थैंक यू सो मच. चलिए ओके, बाय बाय, थैंक्स. मैं सोच रहा था लाइट जल रही है, लाइट तो जल ही नहीं रही है. अब जली. तो जैसे कि आकाश और स्वर ने गाइड किया था सोमनाथ टेंपल आने के लिए, मैं यहाँ पहुँचा. बीच में जीत भाई का फ़ोन भी आया था, उन्होंने कहा कि जलाराम का टेंपल है सामने, वहाँ पे पूछ लो, पक्का रहने का हो जाएगा. पर जब वहाँ जाके पूछा तो वहाँ तो अरेंजमेंट हो नहीं पाया. तो मैं वापस सोमनाथ टेंपल आया और सुरेश भाई ने एक मिनट में हाँ कर दी मेरे को कि हाँ रुक जाओ, हमारे पास हॉल है, रूम तो नहीं है लेकिन आप हॉल में चाहें तो रुक सकते हैं. तो ये सोमनाथ टेम्पल बिलीमोरा का हॉल है. फ्रेश हो गया, कपड़े चेंज कर लिए, नहा धो लिया, कैंटीन में जाके खाना खाना है, बाबा जी के दर्शन करने हैं.
तो जब मैं यहाँ पहुँचा ना तो यहाँ के ट्रस्टी मिस्टर अजीत इंटावाला भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे एक अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने पूरी कहानी मुझे बताई है कि क्या है सोमनाथ टेम्पल की कहानी। तो आपको इसी एपिसोड में वो कहानी दिखाने वाला, और एक सेपरेट एपिसोड भी बनाऊंगा जो सिर्फ सोमनाथ टेम्पल के बारे में होगा, वो सेपरेट आप वहाँ पर भी देख पाएंगे। तो ये कहानी जरा देख लीजिए, तब तक मैं जाता हूँ कैंटीन में खाना खाता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। वो गाय दूध नहीं देती थी तो राजपूत की वाइफ को लगा कि कोई निकाल तो नहीं रहा है, तो वो पीछे पीछे जाती है, देखती है तो जो गाय जहाँ खड़ी है वो खड़ी होती है तो उसके आंचल में से दूध गिरता था। राजपूत की वाइफ को लगा कि दूध गिरता है क्या है, फिर गाय चली जाती है तो राजपूत की वाइफ वो जाके नजदीक जाके देखती है, जगह जरा साफ करती है, पूरा जंगल घना जंगल, तो साफ करती है तो उसमें वो राउंड जैसा उसको दिखता है। तो बस उसकी बाई को लगा और हर रोज वो हे नाथ करके वहाँ जाके पूजा करती थी। अभी उसका हस्बैंड को लगा कि ये मेरी वाइफ हर रोज कहाँ जाती है, तो वो भी पीछे पीछे जाके देखता है, बाई को मालूम नहीं है, तो बाई वहाँ जाके हे भगवान हे सोमनाथ दादा ऐसा करके, तो उसका हस्बैंड को लगा कि मैं उसका नाथ, मैं उसका पति, किसको बोलते हे नाथ, तो वो उसको ज़रा डाउट लगता है, तो वो पूजा करती है। वो हस्बैंड धीरे धीरे पीछे आता है तलवार लेके, तो बाई को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो पीछे घूम के देखती है तो उसका हस्बैंड ये तलवार लेके खड़ा था। तो बाई ने बोला हे नाथ अब तो तू ही बचा, और ये शिवलिंग अपने आप जमीन में से बाहर आता है, उसका दो भाग हो जाता है, और उसका हस्बैंड नजदीक तलवार लेके आता है, उसके पहले वो बाई उसमें चली जाती है, और वो तलवार लेके घर करने को जाता है, उसके पहले वो शिवलिंग बंद हो जाता है। वो उसका हस्बैंड वो तलवार मारता है तो ये शिवलिंग पे गिरता है, वो कई साल तक ये घर का निशान भी है, वो सब हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि दिखा था। एक और अजीब चीज हुई है, मैं क्या बताऊं आपको, कुछ दिखाता हूं तो आप समझ पाएंगे। अजीत भाई इंटा वाला अभी तक ज्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं थी, उन्होंने बस मुझसे ये पूछा था कि आप कहाँ से आए हो, कब से निकले हो, कितना टाइम हो गया है। तो अजीत भाई इंटा वाला ने मुझे ये दिया और मैं लेना नहीं चाह रहा था, तो बोला कि सोचे कि मैं बड़ा भाई हूँ आपका और ये मेरी तरफ से है। मैं स्पीचलेस होता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं लूँ ना लूँ, जिद क्या करूँ या उनका मान रख के ले लूँ। और एक और ट्रस्टी है, मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, उन्होंने ये दिया मेरे को, मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, आपका प्यार मिलता है बहुत है, पर ये भी शायद क्या कहूँ मैं। तो ये 700 रुपी 5+2 अजीत भाई जो यहाँ के ट्रस्टी है और एक और दूसरे ट्रस्टी उन्होंने दिया है, रख रहा हूँ, शायद किसी अच्छी जगह यूज कर पाऊँ या मुसीबत में मेरे कहीं काम आए, हो सकता है भोलेनाथ मेरी मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली और कह रहे हैं कि आने वाला टाइम डिफिकल्ट हो सकता है अमित, संभाल के रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, आगे पता नहीं क्या हो। अभी मैं कार्यालय पहुंचा हूं और सुरेश भाई के साथ हूं, और एक बार आप मिल लीजिए सुरेश भाई से। ये वो इंसान है जब मैं खिड़की पे खड़ा होकर आके रिक्वेस्ट कर रहा था ना रहने की कोई जगह मिल जाएगी क्या, तो इन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया था हाँ बोलने में। केम छो सुरेश भाई? बस मजा मा। आपकी स्माइल जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे थे ना जब मैं उस खिड़की पे वहाँ खड़ा हुआ था, अच्छा। तो हिम्मत से मिली बड़ी है। लगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं है, पॉजिटिव हैं बहुत आप, सॉफ्टली सब चीज़ें करते हैं। मैं क्या हूँ, कोई भी हमारे यहाँ जो कोई भी आते हैं जी टूरिस्ट हो या कोई भी ऑफिस में आते हैं उनको रिक्वेस्ट से बात करते हैं, हाँ। और जितना हो सके इतना मदद रूप रहते हैं। आज अगर मैं यहाँ हूँ बैठा हुआ, सिर्फ मुझे लग रहा है सुरेश भाई सबसे पहले इंसान है जिन्होंने हाथ थामा मेरा, बाद में फिर बाकी लोगों से मुलाकात हुई। तो एक बार फिर से सुरेश भाई धन्यवाद आपका, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया, जितने भी शब्द हैं सब। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। हाँ। मेरा नाम जसराज है। जसराज आप हैं? आप दीपक भाई और आप गोवर्धन भाई? गोवर्धन भाई। एक और भाई है वो जरा गए हैं बाहर तक, रोटी मिली जा करके सुबह से, मेरे ख्याल है पहला खाना खा रहा हूँ अभी मैं, ऐसे ही चले जा रहा था दिन भर। डिनर करते हैं, देखो कैसे बैठ के हम लोग सब साथ में खा रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं वापस जाऊंगा खाना खाने के बाद, फिर ब्लॉग एंड करेंगे। लो जी दोस्तों, रात के बजे हैं 10, जगह है बिलीमारा का सोमनाथ टेम्पल। आज का दिन आपने देख ही लिया किस तरह से मैंने स्टार्ट किया था हाजिरा से, तो बड़ा अच्छा था आज का दिन, फ्रूटफुल, एक नई जगह पे नए लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अगर आप पुराना एपिसोड देखना चाह रहे हैं जिसमें मैंने शिप के थ्रू ट्रैवल किया था हजीरा तक भावनगर से, तो यहाँ ऊपर मिलेगा आपको। पूरी सीरीज अगर आप चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया देखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ नीचे की तरफ है, और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनके नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो चेक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।